मैं अनामिका माथुर, लेक्चरर इंटीरियर डेकोरेशन, GRWPC जोधपुर। इस सेशन में हम आज हिस्ट्री ऑफ इंटीरियर डिज़ाइन सब्जेक्ट कोड 204 के टॉपिक एंशिएंट इजिप्ट पर जानकारी प्राप्त करेंगे। एंशिएंट इजिप्ट फर्नीचर के बारे में हम इनकी विशेषताएं, इनके डेकोरेशन तथा कुछ फर्नीचर जो इजिप्शियन कार्व चेयर, डॉग फीट, इजिप्शियन स्टूल, डक्स हेड फीट, इजिप्शियन वुडन स्टूल विद रश टॉप तथा इजिप्शियन हेडरेस्ट के बारे में बात करेंगे। इजिप्शियन फर्नीचर की विशेषताएं इस प्रकार है। यह फर्नीचर लकड़ी के बनाए गए, परंतु लकड़ी की कमी होने की वजह से फर्नीचर को बनाने के लिए पत्थर तथा मेटल का भी उपयोग, मेटल जिसमें ब्रॉन्ज, आयरन, गोल्ड तथा सिल्वर का उपयोग किया गया। इजिप्शियन फर्नीचर को हम दो समूह में बांट सकते हैं। पहले प्लेटफॉर्म फर्नीचर जिसमें बेंच, चेयर्स, टेबल्स और बेड तथा काउचेस को रखा गया जो सोने व बैठने के उपयोग में लाए गए थे। दूसरे बॉक्स टाइप के फर्नीचर जिसमें चेस्ट तथा कपबोर्ड को बनाया गया जो स्टोरेज फर्नीचर के रूप में काम में लिए गए। इन फर्नीचरों की सतह पर कार्विंग तथा ग्लाइडिंग की गई। इन फर्नीचर्स में उपयुक्त रेखा अनुपात व आकार तथा टेक्सचर का उपयोग कर इन्हें प्रभावशाली बनाया गया। सिंहासनों तथा सामान्य चेयर के पैर शेर के पंजे के समान बनाए गए, यह इनकी प्रमुख विशेषता थी। बेड को एनिमल स्किन तथा रंगीन कपड़ों तथा गद्दों से सजाया गया। चार पैर वाली स्टूल जिनके पैरों को जानवरों के पैरों की आकृति दी गई। इस समय चेयर को आर्म रेस्ट तथा बैक भी बनाने शुरू कर दिए जिनमें मेटल वर्क, इनले तथा कार्विंग व ग्लाइडिंग का काम किया गया। इजिप्शियन कार्व चेयर के बारे में, इसका बैक चौकोर तथा यह चेयर डॉग्स पाउ के नाम से जानी जाती थी। इस चेयर की विशेषता इसके लेग्स हैं जो कि डॉग के पंजे के समान थे। इसके आगे तथा पीछे के लेग्स ऐसे प्रतीत होते थे मानो डॉग्स पाउ ही हो। इसकी ऊंचाई कम थी क्योंकि यह आम जन के उपयोग में ले जाती थी। यहाँ कुर्सी की ऊंचाई ओहदे व श्रेष्ठता की परिचायक थी। सिंहासन की ऊंचाई अधिक होती थी जिनके आगे फुट स्टूल रखा जा सकता था। चेयर्स के बैक में इनले वर्क तथा डेकोरेटिव मोटिफ बनाए गए तथा बैक तथा सीट के फ्रेम में कार्विंग की गई। इन चेयर्स को पेंट किया गया जिनमें रेड, येलो, ब्लू, ग्रीन तथा अर्दन कलर्स का इस्तेमाल किया गया। प्राकृतिक रंगों के साथ वेजिटेबल गम तथा एग वाइट को मिलाकर गम वार्निश करके इन फर्नीचर्स को प्रिजर्व किया गया। अब हम बात करते हैं इजिप्शियन स्टूल विथ डक हेड फीट। यह फोल्डिंग सिंगल सीट स्टूल थी बतख के आकार के समान जो नीचे की ओर स्ट्रेचर से आपस में जुड़े हुए थी। यह स्टूल कम आय के लोगों के लिए बनी थी जो काफ़ी मशहूर हुई तथा अमीरों के लिए इसके डेकोरेटिव रूप भी देखे जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं इजिप्शियन वुडन स्टूल विथ रश टॉप की। यह लोअर सिटिंग का फर्नीचर था। इस स्टूल की ऊंचाई कम थी। इसकी सीट रस्सी से बुनी जाती थी जिस पर गद्दी लगाई जा सकती थी जो कपड़े या एनिमल स्किन की बनी हो सकती थी। इसको बनाने के लिए मोर्टाइज जॉइंट का उपयोग किया गया और यह सामान्यतः लोअर सिटिंग के फर्नीचर के रूप में काम में ली गई। आइए जानते हैं इजिप्शियन हेडरेस्ट के बारे में। इजिप्शियन हेडरेस्ट एक आयताकार तथा शाफ्ट घुमावदार शाफ्ट का फर्नीचर था। यह पिलो के स्थान पर उपयोग में लिया जाता था। सोते समय यह कंधे तथा सिर के बीच के गैप में रखा जाता था। यह अनेक मटेरियल से बनाया गया था जैसे वुड, मेटल आदि। प्रथा के अनुसार इसे शवों के साथ रखा जाता था जो आफ्टर लाइफ में काम आए, इस ये सोच के रखा जाता था। इन्हें फर्नीचर को गद्दीदार बना के नरम व आरामदायक बनाया गया। अंत में हम इन फर्नीचर की मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र डालते हैं। इन फर्नीचर से हमें यह पता चलता है कि इजिप्शियन कुशल शिल्पकार तथा कारीगर थे तथा तकनीक के भी जानकार थे।
इन्होंने फर्नीचर बनाने के लिए बट जॉइंट, डोवटेल जॉइंट का उपयोग किया। इनके फर्नीचर हल्के तथा फोल्डिंग थे। इनके बेड्स में पिलो के स्थान पर हेडरेस्ट का उपयोग किया गया तथा फुटबोर्ड भी बनाए गए। अतः यह कहा जा सकता है कि यह फिक्स फर्नीचर के कंसेप्ट की जानकारी भी रखते थे। तो यह थी इजिप्शियन फर्नीचर की जानकारी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इस टॉपिक में यह सब काफ़ी मदद मिलेगी।